राकेश टिकेत से हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने खास बातचीत की है, दिखाते हैं आप। कल पूरा दिन बीत गया था, आपके पास सरकार से कोई कॉल आया, कोई बातचीत हुई, कोई गुंजाइश हुई सरकार से बातचीत की तरफ, कोई निर्णायक रूप में कुछ बढ़ा? अभी तो नहीं किसी का फोन आया, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आप भी पहल कर सकते हैं, तो क्या आप कोई पहल करेंगे सरकार से? हमने तो कहा है ना सरकार को कि भाई बातचीत शुरू करो, इसको एक टेबल पे ले आओ और इसको आगे आप बढ़ाते हैं। बड़ा काम प्रधानमंत्री ने करा है तो इसको आगे टेबल पे जाकर इसको बड़ा काम करें। उनको बातचीत करनी चाहिए, जो कमेटी भारत सरकार की जो वे बनावे उस कमेटी को बता के और टाइम रख के और बातचीत शुरू करो। लेकिन यही चीज कि क्या ये बात आपकी औपचारिक तौर पर हुई है या फिर मीडिया के माध्यम से भी आप भी वही? अभी मीडिया के माध्यम से ही हमने कहा और वहाँ से आज जो भी तय होगा जी, वे वहाँ से क्या प्रस्ताव आता है, हो सके कि उनके पास में प्रस्ताव आज आए उनका सरकार का जी। लेकिन फिर देखिए सोशल मीडिया पर भी ये सवाल उठ रहा है कि अगर वहां से आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने टीवी पे कह दिया तो उस बातचीत को तो हम नहीं अभी एक तरह से डिनाई कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप कोई लेटर लिख के, या शायद आपके पास कृषि मंत्री का नंबर भी होगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि आप बात करें और टेबल पर बात आने के लिए? अब तो बातचीत होनी चाहिए ना, बैठ के टेबल पे बातचीत होनी चाहिए। जो ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है अब इसको टेबल पे जाके और इसको क्रमबद्ध तरीके से अब इसको काम करना चाहिए सरकार को भी और किसान, तो हम तो तैयार हैं बातचीत के लिए जी। बची हुई बात कैसे बनेगी, मेरा सवाल है? बातचीत से उसमें सरकार बातचीत करे और जो भी मामले हो बैठ के बातचीत से ही समाधान उसका होगा। उसके पॉइंटर्स एक बार बता दीजिए, एमएसपी है, कई चीजें हैं। एमएसपी है, जो किसान शहीद हुए हैं वे हैं जी। एक स्मारक का वो है, ये है जो मुकदमे हैं किसानों के ऊपर, ये बड़े इफेक्टेड करते हैं सर। लेकिन एक चीज ये आ रही है कि तमाम विपक्ष जो है वो हालांकि सरकार पर हमलावर है इस पूरे मामले पर, अब पूरी गेंद जो है किसानों के पाले में ही है। लोग ये कह रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो धरना खत्म करके क्यों नहीं आगे की बातचीत हो सकती? अब तो आगे की तो बात तो होगी ना, एक प्लेटफॉर्म तो बना ना कि कहां बैठेंगे जी। अच्छा मेरे एक छोटे सवाल का ये जवाब दे दीजिए कि मान के चलते हैं सब कुछ टेबल पर आ जाता है, उन्होंने कह दिया कि रिपील हो गए हैं, ऐलान कर दिया है, संसद में हो जाता है, वो तो औपचारिक हो ही जाएगा, प्रधानमंत्री ने कह दिया। एमएसपी पर अगर कानून बनने को लेकर इस सत्र में तो आपको पता ही होगा कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि गारंटी पर कोई कानून बन पाए, तो एमएसपी पर अगर वो ये कहते हैं कि हम वादा कर देते हैं और अगले सत्र में या फिर शायद उस पर कोई गुंजाइश रह जाए, तो क्या कोई पॉसिबिलिटी बनेगी? अरे सारी चीज पहले क्यों पूछो, उन पर बात तो कर लेने दो, हम तो ऐसा पका रहे पहले ही। बस लास्ट मुझे आखिरी सवाल बस मेरा ये बता दीजिए, 29 तारीख को लेकर दिल्ली पुलिस की चिंता बढ़ गई है, कल आपने कहा कि हमारा 29 तक का पूरा प्लान तैयार है। पूरा प्लान तैयार है अभी 29 तक का पूरा है। तो दिल्ली जा रहे हैं? वो कहाँ जाएंगे जी? दिल्ली जाना तय है, देखिए ये बहुत जरूरी बात है, दिल्ली जाना कह रहा है कि 29 तारीख तक के जो प्रोग्राम है वो अभी तय है और बातचीत हो जाए सरकार, इतने बातचीत तो शुरू करे ना सारी चीज शुरू करे। तो आप राकेश टिकैत साहब को यहाँ सुन रहे हैं कि 29 तारीख के लिए उन्होंने कहा कि दिल्ली जाना तय है, यानी ये बात सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि पूरी बात जो है टेबल पर आनी चाहिए, वहां पर जो औपचारिक बातचीत होगी उसके बाद कोई निर्णय जो है वो लिया जाएगा। गाजीपुर बॉर्डर पर कैमरामैन अंकित के साथ जतिन गोस्वामी।